उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन कर अधिकारियों के साथ वृंदावन में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार को वृंदावन पहुंचे, जहां पवनहंस स्थित हेलीपैड पर भाजपा नेताओं द्वारा उन्हें पटका उड़ाकर और माल्यार्पण कर जोशीला स्वागत किया गया। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां से उप मुख्यमंत्री सीधे बांके बिहारी जी की शरण में पहुंचे, जहां ठाकुर जी के दर्शन और विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद ग्रहण किया। मंदिर में पहुंचते ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ठाकुर जी के समक्ष शीश झुकाया और उनको निहारते रहे। इस दौरान सेवक गोस्वामियों द्वारा उन्हें विधिवत रूप से पूजा अर्चना कराकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं फल फूल प्रसादी आदि भेंट किया। दर्शनों उपरांत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का काफिला परिक्रमा मार्ग स्थित संत विजय कौशल महाराज के निकुंज वन आश्रम पहुंचा, जहां उन्होंने संत विजय कौशल महाराज से शिष्टाचार भेंट कर आध्यात्मिक चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री अपने संगठन के पदाधिकारियों से भी मिले, जहां एक बंद कमरे में पार्टी के विधायक आदि संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। अंत में उन्होंने मथुरा वृंदावन में हो रहे विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्र और सीईओ नागेंद्र प्रताप सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकार की मंशा के अनुरूप ब्रज के विकास को प्राथमिकता देने के साथ ही समय से विकास कार्यों को पूरा कराने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, आगामी समय में लगने वाले कुंभ मेला की तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों के साथ मंथन किया गया। इस बीच पत्रकारों से मुखातिब हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा वृंदावन में किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ब्रज के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील रही है। यमुना शुद्धिकरण के मुद्दे पर भी उन्होंने यमुना में अविरल धारा के लिए प्रयास किए जाने की बात कही। वहीं इससे पूर्व हेलीपैड पर उतरते ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और सीएए का विरोध कर रहे लोगों को मानसिक रूप से बीमार बताते हुए अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की बात कही। मंत्री, आज वृंदावन का दौरा, आज यहाँ विशेष तौर से मथुरा वृंदावन की विकास योजनाओं को लेकर के समीक्षा की बैठक भी रखा हुआ है और साथ ही बिहारी के दर्शन का भी कार्यक्रम रखा है और उसी के क्रम में आज आने का अवसर मिला है। और खुशी इस बात की रहती है कि जब यहाँ किसी कार्यक्रम को लेकर के जब हम लोगों को आना होता है तो बिहारी जी के दर्शन हो जाए। कुंभ मेला की कुंभ मेला अब चर्चा जो होगी उसकी डिटेल बात होगी। अच्छा, दूसरा जो निर्भया कांड के जो दोषी है उसको आम आदमी पार्टी के बचाने में लगी दोषी दिल्ली के बाद लखनऊ में भी अब धरना शुरू कर दिया। अब मुझे लगता है जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपना अच्छे से इलाज कराना चाहिए। एक्ट पूरी तरह से नागरिकता देने के लिए लाया गया है, उस एक्ट का विरोध की नागरिकता छीन ली जाएगी इस प्रकार से करना, इससे लगता है कि जिसको सब कुछ जानते हुए या तो अंजान बन रहा है या तो उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब है। बीजेपी सुन नहीं रही है। देखिए, आज की बैठक विशेष तौर से ब्रज क्षेत्र के विकास को लेकर के जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार प्रयत्नशील है, उसी दिशा में आज की यह महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। कई जरूरी निर्णय भी लिए गए हैं और फरवरी महीने में एक लखनऊ में भी जो आज निर्णय लिए जा रहे हैं उनकी समीक्षा करते हुए और जो सरकार ने काम करने का निर्णय लिया है वह काम समयबद्ध तरीके से पूरी हो जाए, इसको लेकर के लखनऊ बैठक बुलाया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मथुरा वृंदावन का विकास जिस प्रकार से सरकार की हमारी प्राथमिकता है उस प्राथमिकता को हम जमीन पर उतारने का लगातार प्रयास करें। यमुना जी, मैं जानता हूँ कि यमुना जी के बिना कन्हैया जी और कन्हैया जी के बिना यमुना जी, और हमें पूरा विश्वास है कि हम यमुना मैया की अविरलता
को लेकर के निर्मल अविरल और निर्मल प्रवाह को लेकर के लगातार प्रयास हो रहा है। आज जो रिवर फ्रंट को लेकर के जो समस्या है उसको भी दूर करेंगे और अन्य जो जरूरी कदम उठाने को मैं संत समागम को लेकर के जो कुंभ लगने जा रहा है उसी को लेकर के विशेष तौर से आज की पूज्य विजय कौशल जी महाराज जी के आश्रम में यहाँ पर बैठक है, महाराज जी की अध्यक्षता में है, उनकी उपस्थिति में है और आज की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए हैं और उस निर्णय का मैं समझता हूँ कि जो यहाँ बड़ी संख्या में वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं, राधा रानी सरकार के दर्शन के लिए आते हैं, उन सबको आने वाले समय में बहुत राहत मिलेगी और आपको भी इतनी तेजी से ऐसी सड़कें बना के देने वाले हैं, खबर भी अगर आपको कहीं कवर करना पड़े तो जल्दी कवर कर